हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत लोगों ने ये वाला ऐप तो देखा ही होगा एंड बहुत लोग इसको डाउनलोड करने का भी ट्राई कर रहे होंगे एंड बहुत लोग इसका यूज़ भी कर चुके होंगे। एंड इस वाले ऐप का तो मैं भी यूज़ करती थी, बट अभी जो है ये प्ले स्टोर पे बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है एंड ये कहीं से भी आपको नहीं मिलने वाला। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि ये वाला ऐप जो है मुझे नहीं मिल रहा है एंड इसका डायरेक्ट लिंक मुझे सेंड कर दो। तो वैसे ये ऐप जो है वो बैंड हो चुका है, इसलिए ये आपको कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। सो आज मैं आपको एक न्यू ऐप के बारे में बताने वाली हूँ जो कि हम आर्टिस्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। एंड अगर आप ग्रिड लाइन का यूज़ करते हैं तो ग्रिड मेकर ऐप का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे प्ले स्टोर पे सर्च किया है ड्राइंग ग्रिड फॉर द आर्टिस्ट एंड यहाँ पे काफ़ी सारे ऐप्स आपको देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला ऐप जो ग्रिड ड्राइंग मेकर फॉर द आर्टिस्ट, तो इसको मैंने डाउनलोड किया है, आपको भी इंस्टॉल कर लेना है। एंड इसके बाद मैं इसको ओपन करके बताती हूँ इसके बारे में एंड इसका यूज़ करना भी आज हम देखेंगे किस तरीके से इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप रेटिंग वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे रेटिंग्स है। सो मैंने सोचा कि इसको डाउनलोड करते हैं एंड इसका यूज़ करके देखते हैं ये किस तरीके का है। सो इसको हम ओपन कर लेंगे एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में हम क्लिक करते हैं जो कि है सेलेक्ट अ पिक्चर पे एंड यहाँ से जाकर हम जो है गैलरी में से सिंपली कोई भी फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमें ड्रॉ करना होगा। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पे रेक्टेंगल भी आपको ग्रिड मिल जाता है, ग्रिड का एक ऑप्शन है एंड स्क्वायर भी आपको मिल जाता है, यानी कि आप रेक्टेंगल एंड स्क्वायर दोनों ही तरीके से इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ग्रिड को आप रिमूव कर सकते हैं एंड वापस से आप इसको क्लिक करके वापस लेकर आ सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर आप इसमें डायगनल वाला ऑप्शन भी है जो कि यूज़ कर सकते हैं एंड ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। डायगनल शेप में भी आप काफ़ी अच्छे से डिटेलिंग वर्क कर सकते हैं एंड यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज एंड कॉलम्स का भी ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पे आपको अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपने शीट के अकॉर्डिंग रोज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, नंबर्स को उसमें लिख सकते हैं एंड कॉलम्स लिख सकते हैं इस तरीके से एंड ये सिंपली एडिट हो जाता है। एंड ये जो ग्रिड लाइन्स है इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रेफरेंस इमेज। तो यहाँ पे ग्रीन कर सकते हैं, ब्लू, बहुत सारे आपको कलर ऑप्शंस मिलते हैं एंड साथ में इसको आप लाइट एंड डार्क भी कर सकते हैं। तो अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आपको इसको सेलेक्ट करना होता है। एंड यहाँ पे लेवल का ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट कैसे भी करके। एंड इसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं आप और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ग्रिड लाइंस की जो भी थिकनेस है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर्स को आपको लिखना है, सेलेक्ट करना है एंड उसके अकॉर्डिंग जो लाइंस है वो मोटी एंड पतली हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी हैवी लाइन हो गई है, तो मैंने यहाँ पे 1 ही रखा है। एंड इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज का जो साइज़ है एंड जो सेल का साइज़ है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा होता है। एंड आप फोटो को जूम कर सकते हैं, फिर इसको लॉक भी कर सकते हैं एंड सिंपली इसको अनलॉक भी कर सकते हैं। सो जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो काफ़ी इजी होगा ड्रॉ करना, क्योंकि ये जो फ़ोन की स्क्रीन है वो बिल्कुल भी हिलेगी नहीं लॉक करने के बाद। एंड इसके बाद और भी काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस है, इफ़ेक्ट का ऑप्शन है, आप अपने फ़ोटो में इफ़ेक्ट को चेंज कर सकते हैं। एंड इसके बाद और भी यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक स्प्लिट का ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पे शायद आप ये स्प्लिट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो जो अलग अलग एक एक ग्रिड्स है उन ग्रिड्स को आप जूम करके ड्रॉ कर सकते हैं। सो ऐसे काफ़ी छोटे एरिया को आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं जूम करके, इसको भी आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा है। एंड रेफरेंस को आप क्रॉप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे कस्टम वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं। एंड साथ में यहाँ पे और भी काफ़ी सारे रेशियो का ऑप्शन दिया हुआ है, तो वैसा आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड फोटो को आप रोटेट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, इस तरीके से फ्लिप कर सकते हैं वर्टिकली। तो बहुत सारे इसमें ऑप्शन हैं जो कि काफ़ी मुझे लगता है हेल्पफुल है। एंड
एंड इस वाले ऑप्शन में जाके आप रेफरेंस के कलर को, रेफरेंस के ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड इसको आप सिंपली गैलरी में सेव कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस थे एंड काफ़ी सारे यहाँ पे फीचर्स था। तो अब हम देखते हैं इसका एक्चुअल में यूज़ करके। तो इसका यूज़ करते हुए अब मैं ड्रॉ करने वाली हूँ। सो यहाँ पर मैंने ब्रशो का एक शीट ले लिया है A4 साइज़ का, एंड इसके ऊपर सबसे पहले हम ग्रिड्स को ड्रॉ कर लेते हैं। एंड गाइज, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं ग्रिड लाइंस को ड्रॉ करने वाली वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आपको नहीं पता है सही से, तो आप ज़रूर उसको देख लेना। एंड यहाँ पर अब मैं ग्रिड्स को ड्रॉ कर लेती हूँ। सो यहाँ पे जो विड्थ है वो 20 सेंटीमीटर का मैंने निकाला हुआ है, क्योंकि वहाँ पे मैंने 0.5 छोड़ दिया था। तो यहाँ पे ऊपर से हमारे 10 बॉक्सेस बनेंगे। एंड यहाँ पे साइड से जो कि इसकी हाइट है, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हमारे 15 बॉक्सेस बनेंगे। सो जैसे कि हमने यहाँ पे पॉइंट रखा है, सेम चारों तरफ से, यानी कि दोनों तरफ से इधर से हमें पॉइंट रख लेना है। एंड सिंपली हमें लाइंस को मिला देना है, तो हमारे ग्रिड्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। सो यहाँ पे ग्रिड लाइंस A4 साइज़ में मैंने तैयार कर लिया है। ऊपर से जो है 10 बॉक्स बने हैं एंड नीचे की तरफ से यहाँ पे 15 बॉक्स बने हैं। तो अब हम ऐप का यूज़ करेंगे। तो ऐप में जाएंगे एंड वापस से इस फोटो को सेलेक्ट करेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे जाएंगे स्क्वायर वाले शेप में, क्योंकि हमें स्क्वायर में ग्रिड्स चाहिए, हमें रेक्टेंगल में नहीं चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे जो शीट में है स्क्वायर में ही हमने ग्रिड्स को ड्रॉ किया है। एंड यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पे कॉलम्स जो है हमारा 10 कॉलम है, तो 10 कॉलम के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 10 सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पर भी जो फोटो है उसमें 10 कॉलम्स सेलेक्ट हो चुका है, 10 कॉलम्स इसमें एडिट हो चुका है। सो हमारे शीट पे जो रोज थे वो 15 थे एंड जो कॉलम्स थे वो 10 थे, बट यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हैं 17 रोज बन गए हैं, क्योंकि इसका जो फोटो का साइज है वो थोड़ा सा लॉन्ग है। सो फोटो की जो हाइट है वो ज़्यादा है, A4 साइज़ में ये पूरा फोटो नहीं आएगा। नीचे से जो दो लाइन है, जो दो बॉक्स है, वो छोड़ना पड़ेगा। एंड बस इतना ही मुझे ड्रॉ करना है यहाँ पे, एंड बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी मैं इसको ड्रॉ नहीं करने वाली हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इस फोटो को, फुल फोटो को A4 साइज़ में सेट कर सकती हूँ। अगर आपको जानना है कि कैसे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं वीडियो लेकर के आऊँगी आपके लिए। सो कैसे भी तरीके की फ़ोटो हो, फुल हो, हाफ हो, उसको पेपर पे सेट कैसे कर सकते हैं, इस टॉपिक पे मैं वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी आपके लिए। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। सो यहाँ पे अब मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो सिंपली ग्रिड्स को देखते हुए अब हमें ड्रॉ कर लेना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने एक पॉइंट से स्टार्ट किया है, तो एक पॉइंट से लेकर के अब मैं इसको ड्रॉ करती जाऊँगी। सो गाइज, आप भी इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल है। एंड आप ग्रिड लाइंस को जो है काफ़ी इजी वे में, जैसे कि पहले कर सकते थे, जैसे उस ऐप में हम कर सकते थे जो पहले वाला ग्रिड ऐप था, उसी तरीके से इस ऐप में भी हम एडिट कर सकते हैं। एंड ये भी काफ़ी अच्छे रेटिंग्स में ऐप है एंड प्ले स्टोर पर आसानी से आपको मिल भी जाएगा। एंड मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम नज़र आई, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं नंबर्स है, वो सारे ग्रिड्स के अंदर लिखे हुए हैं, जो कि थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है। अगर यहाँ पे सिंपली एक रोज़ एंड कॉलम से नंबर्स लिखे होते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा लगता एंड ज़्यादा शिक लगता, बट यहाँ पे जो है ये सारे ग्रिड्स में नंबर्स लिखे हुए हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कराता है। वैसे ये बिगनर्स के लिए अच्छा है अगर वो ग्रिड में गलतियाँ करते हैं, बट वैसे इतने सारे नंबर्स की हमें ज़रूरत नहीं होती है, हम सिंपली एक पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो ऐप में ये जो ऑप्शन है, ये मुझे थोड़ा सा माइनस पॉइंट लगा इसका। बाकी इसका अगर आप एज अ बिगनर यूज़ कर रहे हैं तो आपको शायद ये सही लगने वाला है, क्योंकि थोड़ी हेल्प मिल जाएगी आपको। एंड इसके अलावा यहाँ पे रोज़ एंड कॉलम्स का जो ऑप्शन है वो मुझे थोड़ा सा माइनस पॉइंट दिखा उसमें, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कॉलम में 10 नंबर लिखते हैं या फिर कोई भी ऐसा नंबर लिखते हैं, तो जो रोज़ है वो फ़ोटो के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है।
यानी कि हम एक ही चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, रोज़ या फिर कॉलम्स को। तो वैसे मैंने यहाँ पे कॉलम्स को अपने अकॉर्डिंग लिखा है, एंड रोज़ जो है वो अपने आप ही 17 बॉक्सेस जो आपने देखा वो बन गए। तो ये था फ़ोटो की वजह से या फिर जो भी है, तो मुझे ये थोड़ा सा सही नहीं लगा, एंड ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आप बिगिनर हैं, एंड अगर आप बार बार इसका यूज़ करेंगे तो शायद आपको पता चल जाएगा। एंड गाइज, मैं वीडियो भी लेकर आने वाली हूँ, सेपरेट वीडियो, जहाँ पे फुल फ़ोटो को जो है आप अपने किसी भी शीट पे सेट कर सकते हैं, किसी भी शीट पे आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम का भी मैं सोल्यूशन जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आउटलाइन को कंप्लीट कर लिया है, एंड आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट। सो गाइज, आप भी इसी ऐप का यूज़ कर सकते हैं अपने ड्राइंग के लिए, अपने फ़ोन में, अपने एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर पे काफ़ी इजीली आपको मिल भी जाएगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं कलर ड्राइंग प्रोसेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो टिल देन, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।